हेलो याली मदद, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वेलकम टू द नूरिस किचन। आज अपन नूरिस के किचन में क्या बनाएंगे? आज अपन नूरिस के किचन में बहुत ही अच्छे मज़े की लजीजदार गोश्त की आइटम बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही लजीज है। ये है नान गोश्त। चलो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। तो चलो अभी शुरू करते हैं। अपने को इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, चलो शुरू करते हैं नान गोश्त के इंग्रेडिएंट्स। नान गोश्त के लिए अपने को चाहिए गोश्त। तो ये मैंने 2 पाउंड गोश्त लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है, छोटे का गोश्त है। आपको जो भी गोश्त चाहिए, बड़े का चाहिए, छोटे का चाहिए, आप बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 पाउंड छोटे का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। यहाँ पे यह मैंने 2 बड़ी प्याज लिए, प्याज को मैंने स्लाइस करके रखी है। यहाँ पे ये मेरे पास 2 चम्मच भर कर है ना, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। यहाँ पे 1 चम्मच है ना, तो मैंने ये सॉल्ट लिया है, सॉल्ट मैंने है ना लिया है 1 चम्मच। आपके आप हिसाब से डालना, आपको जितना भी चाहिए। यहाँ पे 1 चम्मची भरकर है ना, तो ये तेज़ लाल मिर्च है, 1 चम्मची रेड चिली पाउडर है। यहाँ पे 1 चम्मची है ना, तो हल्दी है, टर्मेरिक पाउडर। यहाँ पे 2 चम्मची है ना, तो ये कश्मीरी चिली है, 2 टीस्पून कश्मीरी चिली है। यहाँ पे है ना, तो ये 1.5 चम्मच है ना, तो सूखा कुटा हुआ धनिया है, सूखा कुटा हुआ धनिया। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा मसाला बना के रखा है। इसमें है काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, सिनेमन है, सफ़ेद जीरा है, सा जीरा है, फेनल सीड है और बादियाना का फूल है। यहाँ पे ये दूसरा थोड़ा पेस्ट बना के रखा है। इसमें काजू है, पॉपी सीड है और कोकोनट है, तो इसका मैंने पेस्ट बना के रखा है। यहाँ पे ये 1 कप भर का मेरे पास योगर्ट है, और यहाँ पे 1 कप है ना तेल है, और यहाँ पे थोड़ा गार्निश के लिए मैंने सिलेंडर चॉप करके रखा है, ये मिंट है और ये ग्रीन चिली है। तो ये सब चीज़ें अपने को है ना, तो नान गोश्त के लिए चाहिए। चूल्हे पे देगची रखी है मैंने। इसमें मैं ये 1 कप जितना है ना तेल डालूंगी। इसमें तेल ज़्यादा जाता है, तो ये 1 कप तेल डाला मैंने। तेल थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें अपन ये प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के ये गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल के ये अदरक का लहसुन का पेस्ट डालेंगे। डाल के इसमें ये हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च की बुके डालेंगे। ये तेज़ वाली लाल मिर्च है, आपको जितना तेज़ चाहिए आप इतने डालना। यहाँ पे ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये नमक है। इसको सबको मिक्स करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना, ताकि सब गोश्त में और प्याज में ये सब मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अच्छी तरह से मिक्स करके अभी इसको 15 ढक के रखेंगे 15 मिनट तक, तो अंदर अच्छा मज़े का गोश्त थोड़ा गल जाए और प्याज भी गल जाए, फिर अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना। चलो अभी अपन देगचा खोलते हैं। वाह, क्या मज़े का मस्त बनाए। कलर तो देखो कितना है, लाल लाल चटपटा सा। प्याज भी अंदर गल गई है, गोश्त भी तकरीबन गल गया है। तो इसमें अपन ये कटा हुआ धनिया है ना, वो डालेंगे, सूखा धनिया है कटा हुआ, इसको डाल देते। तो डाल के 1-2 मिनट पकाएंगे, ताकि धनिया का कच्चापन सब दूर हो जाए। Thank you.
कमेंट में डालिएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा बना, कैसा नहीं, रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई दावत करो तो दावत में भी बनाना, सबको बहुत मज़ा आएगा। चलो अगली रेसिपी तक खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़, इंजॉय।